नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा नौवीं का गणित का वर्कशीट संख्या 12 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 2/8/21 के लिए है। हेलो बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे। संख्या रेखा जो होता है, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को एक अंतराल पर अंकित किया जाए तथा कुछ साधारण संक्रियाओं को दर्शाता गया। अब इसी से हम संख्याओं के बारे में छोटी सी जानकारी भी हासिल कर लेंगे। ये देखिए, इधर वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी तरह इधर की तरफ बढ़ता गया तो इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो ये तो प्राकृत संख्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये हो जाएगा पूर्ण संख्या और ये सारे मिलकर के हो जाएगा पूर्णांक। अब आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, यानी एक से छोटी भी हो सकता है, इसके बीच में भी संख्याएँ हो सकती है। तो अब दी गई परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, 3/4 का यदि हम डेसिमल रूप लिखते हैं तो इस तरह से दशमलव रूप को, यानी 4 को 4 से 3 में भाग देना है, तो हमने देखा इस तरह आया। 7/4 मतलब इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 7/4 यानी 1.75 आया दशमलव रूप, यानी 1 से 2 के बीच में। इसी तरह माइनस की तरफ है, इस तरह से ये इसका दशमलव रूपीकरण है। तो आइए हम दी गई संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करें। तो देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 3/4, तो 3/4 हम क्या करें, जीरो से इधर की तरफ आपको चाहिए, तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 5, 6 जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक लिख लीजिए। और फिर नीचे जो दिया है तो सबके नीचे 4, 4, 4, 4, 4 इस तरह से लिख लीजिए 4, 4। अब आपको जो ज़रूरत है 3/4, तो 3/4 को मार कर लिए। इसी तरह 7/4 को अगले में दिया हुआ, 7/4 को मार कर लिया। अब जो नेक्स्ट है आपको -5/6, तो 6 भागों में विभाजित करना है, तो यहाँ 0/6, -1/6 माइनस में चाहिए आपको, तो यह -5/6 पर निरूपित कर लिया। अब अगला है दिया हुआ -3, मतलब ये देखिए, एक ही संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं, आप अलग अलग करें तो बेहतर होगा। ये देखिए, ये सबको 11 पार्ट में डिवाइड किया गया है, -5/11, -3/11, -2/11, तो उसको यहाँ पे संख्या रेखा पर, यहाँ -5/11 नहीं है, 2/11 माइनस, ये -9/11 है एक इसमें से, तो जो आपको कह रहा है वो कर, जैसे -2/11, -5/11 यहाँ पे दिखाया गया है, और -9/11, लेकिन पूछा गया है आपको -3/11, गलती से -5/11 लिख गया, तो -3/11 भी आप इसको मार कर सकते हैं। आइए, हमेशा की तरह आपको दिया जाता है करने के लिए, तो यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए। मैं इसमें दिया हुआ है आपको -2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप को सबसे पहले, अब यहाँ पे जैसे संख्या रेखा पर 0, 1, 2, -1, -2 इस तरह से दिखाया, तो ये -2 आपको ये मार कर देना है। इसी तरह 7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये संख्या रेखा है ऊपर में, तो यहाँ पे संख्या रेखा इस तरह बना ले, और 7 पे -7 यानी इधर की ओर आएगा -7, तो ये -7 को दर्शा दे। अब आप को 7 दिया हुआ है, तो 7 यानी पॉजिटिव की तरफ है, तो यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 को दर्शाते। अब अगला आपको दिया हुआ है 7/4, -7/4, तो 7/4 यानी आप जैसे संख्या रेखा बनाएंगे, तो ये देखिए, सात बट्टे चार यानी संख्या रेखा सही लाइन होगी, ये देखिए हम, तो देखिए माइनस, ये 7/4 को दर्शाना है, तो जैसे 0 हो गया इधर की ओर हम लेंगे, पॉजिटिव की तरफ चाहिए आपको, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम संख्या लेंगे, मतलब समान गैप लेंगे,
आप सबके नीचे चार लगा दीजिए, चार लगा दीजिए, सबके नीचे चार, सबके नीचे चार, सबके नीचे चार, आपको जो है उसको मार कर दीजिए, जो आप आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको जाना है, तो 7/4 पे मार कर दीजिए। इसी तरह -7/4 को आपको दिखाना है तो इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ध्यान रखें दोनों साइड एरो ज़रूर लगाएं। अब सबके नीचे 4, 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
भट्टाचार्य, सबके नीचे ये माइनस लगा होगा, इधर की ओर बाई ओर है। अब इसी तरह 8/11 और 9-9/11, तो यहाँ पे 11 वाला दिया हुआ है, 8/11 मतलब नंबर 11 पार्ट में बटा हुआ है पहले से, तो इसको हम 8/11 ये हो गया आपका 8/11 और -9/11 ये हो गया -9/11 जो आपको दिया हुआ सवाल में। तो इस तरह से आप सारे बना सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।